सुगनी मालवा तहसील कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने सोमवार दोपहर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार नितिन राय को सौंपा। ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एवं 150 भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की रिहाई की मांग की गई है। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष राजेश जाट ने बताया कि रविवार 11 फरवरी को श्योपुर जिला तथा प्रदेश भर से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव तथा प्रदेश प्रवक्ता अनिल सिंह के साथ साथ लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ये निर्णय किसान हितैषी सरकार के लिए उचित नहीं है। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष राजेश जाट ने चेतावनी भी दी कि यदि सभी लोगों की रिहाई तत्काल नहीं की जाती है तो मंगलवार से मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जी, हमारा भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा का जो श्योपुर जिले में कार्यक्रम चल रहा था, उसमें से प्रशासन के द्वारा सभी किसान यूनियन के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, करीबन 150 पदाधिकारियों को, और इसकी हम तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। अन्यथा हमारे होशंगाबाद जिले से और पूरे मध्य प्रदेश में मतलब जेल भरो आंदोलन किया जाएगा किसानों की तरफ से, और पूरे किसान इसमें सहयोग करेंगे और हमारे पदाधिकारियों को मतलब रिहा किया जाए तत्काल, हमारी यही मांग। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज हमारी मुख्य मांग ये रही कि कल 11 तारीख को श्योपुर में भारतीय किसान यूनियन एवं संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ करीबन प्रदेश अध्यक्ष के साथ बड़े बड़े प्रदेश के जो अधिकारी थे, 150 से ज्यादा अधिकारियों को जेल भेज दिया गया। तो आज उस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है कि अगर उन लोगों को तत्काल रिहा नहीं किया गया तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, और सारे किसान जेल जाने को तैयार है। कल से हमारा कार्यक्रम चालू हो जाएगा।